हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली। चलिए ये देखते हैं कौन होगा वो कार्ड्स। प्लीज गाइड कैंसर। ओके, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द डेविल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ऐसे तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एंड बहुत ज़्यादा मतलब कम बात करने वाले, कम बोलने वाले, इमोशंस कम दिखाने वाले, पर रोमांटिक बहुत होंगे अंदर से। मतलब प्यार बहुत करते होंगे लेकिन शो करने में थोड़ा इश्यू हो सकता है। और ये भी एक चीज़ दिखाई दे रहा है, फीमेल्स आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर बहुत प्यार करने वाले होंगे, और मेल्स आप देख रहे हो तो आपकी आपकी जो फीमेल होंगी वो काफ़ी स्टेबल होंगी अंदर से। रोमांटिक हो सकती है लेकिन अंदर से काफ़ी स्टेबल होंगी, बहुत ज़्यादा इन्हें इमोशंस अफेक्ट नहीं करते बाहर की चीज़ों में। जब अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सोच समझ के वो सुलझाती हैं उन चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं यहाँ पे आपकी पार्टनर यहाँ पर, और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं जब आपके पार्टनर आपके जीवन में आएंगे। फोर ऑफ कप्स, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन अभी लाइफ में अपने वो बहुत स्ट्रगल भी देख रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को लेकर, काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो जो कलर्स मुझे लग रहा है शायद आपके आपके आपकी ज़िंदगी से गायब हो या उनकी ज़िंदगी से गायब है, जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो वो कलर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में और उनके जीवन में भी। मतलब आप दोनों अभी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि हमारे लाइफ में इस चीज़ की कमी है, मतलब आपको भी उनका उनकी कमी खल रही है जीवन में, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर काफ़ी स्टेबल रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे अर्न करने वाले होंगे, मैच्योर हो सकते हैं, आपसे थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं और भी उनके बारे में हम जानेंगे। अगर हम उनके जोडियक की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जिमनाई हो सकते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी उन्हीं की आई है। आइए देखते हैं। पाइसीस, वर्गो कम बोलेंगे लेकिन अपने काम को बहुत महत्व देंगे, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, प्यार भी करेंगे, केयर बहुत करेंगे आपकी, लेकिन ज़रूरी नहीं हर हर चीज़ में आपकी माने। एक कोल्ड बिहेवियर भी कभी कभी वो दिखा सकते हैं आपको, ना बाहर से देख के उनको पता नहीं चलेगा इनके मन में चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो उनको आप जान नहीं पाएंगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी दिमाग थॉट्स बहुत तेज़ी से आते हैं, और वो उनके दिमाग में समझ लीजिए एक साथ कई चीज़ें सारी चीज़ें चल सकती हैं, तो आपको आप समझ नहीं पाओगे कि उनके मन में क्या चल रहा है दूर से, ऐसे बिना जब तक बात नहीं करोगे चीज़ों के बारे में। हो सकता है कम बोलने वाले भी हों यहाँ पर आपके पार्टनर। द एनर्जी इज विस्टफुल एंडलेसली लविंग, प्यार बहुत करने वाले होंगे आपके पर्सन, काइंड बहुत होंगे लोगों के लिए भी आपके लिए भी यहाँ पर, और आपकी गलतियों को माफ़ कर दिया करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पे ये कहेंगे गुस्सा कम आता होगा, लेकिन अगर कहते गुस्सा आता है तो बहुत बुरा आ सकता है, तो अगर आप इन्हें सावधानी से इनको प्यार से अगर हैंडल करेंगे तो ये हैंडल हो जाएंगे, लेकिन वही चीज़ें आप गुस्से में करोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो इनके साथ अगर आप प्यार से हैंडल करो या इनको समझाओ कोई चीज़, तो वो शायद आपकी बात सुने और समझे, लेकिन अगर आपने क्योंकि ये सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं और आपने अगर थोड़ा सा गुस्सा किया या फिर कुछ भी किया तो ये आपसे और दूर होने लगेंगे। तो ये इनके साथ जितना आप सॉफ्टली आप काम करोगे उतना अच्छा है, प्यार से बात करोगे तो वो आपकी सारी बातें सुनेंगे, इस तरह के पर्सन आपके रहेंगे। सिल्वर वाटरफॉल, वर्दीनेस,
आपके पार्टनर अपनी वर्थ समझते होंगे और ये शायद आपकी भी मदद कर सकते हैं आपको चीज़ें पहचानने में, समझने में। एक हीलर हो सकते हैं, ये आपको हील करेंगे, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई होंगी वो आपको हील करने में मदद करेंगे। बाकी मुझे आपका रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़र आ रहा है, रेनबो की ऊर्जा आई है, सिल्वर वाटरफॉल है, तो आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रह सकता है यहाँ पर। और हीलिंग की बात तो मैंने कह ही दी, आप भी उन्हें हील कर सकते हो, उनकी लाइफ में जो भी पास्ट में कुछ भी वूंड्स, हर्ट, पेन हुआ है, जो अभी भी वो लेके बैगेज चल रहे हैं, या आप कुछ चल रहे हो, तो आप एक दूसरे को हील करने में, उन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद कर पाओगे। एंड वो तो अपनी वर्थ समझते ही हैं, अपनी इंपॉर्टेंस। या ये भी हो सकता है आप एक दूसरे को, एक दूसरे की वर्थ बताओ। जैसे कि हमें बहुत सारे लोग बाहर कैसे होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते, या हमारी खामियां नहीं बताते, या हमारी खूबियां नहीं बताते, लेकिन आप एक पार्टनर के साथ रहते हो, जब इतना समय आप किसी के साथ रहते हो तो ज़रूर बताते हैं कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, ये बात तुम्हें बहुत अच्छी है, इस काम को तुम बहुत अच्छे से करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलती है जब आप दूसरे के साथ रहते हो, तो यहाँ पर आप चूँकि एक दूसरे को बताते हो, गाइड करते हो यहाँ पर, तो बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर तो यहाँ पे सेल्फ लव करते ही हैं, आपको भी शायद कराना सिखा देंगे यहाँ पर, कह सकते हैं, और आप उनको बता दोगे कि ट्रू लव क्या होता है। आइए देखते हैं उनके करियर देख लेते हैं उनका। करियर देख लेते हैं, मेहनती होंगे आपके पार्टनर, बहुत मेहनती होंगे, काम करेंगे, अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाने वाले रहेंगे, फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, ऐसा कभी नहीं रहेगा कि पैसा हाथ में नहीं है, मेहनती मैंने बोला था वो चीज़ मुझे दिख भी रही है। वो अपना काम समय से करने वाले होंगे, एफर्ट्स करने वाले होंगे यहाँ पर। आप और आपके पार्टनर मिलके भी कुछ शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप का भी है, या तो वो आपका सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ केयरलेसनेस मुझे दिख सकती है कि काम तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं। आपके पार्टनर का काम कुछ जस्टिस से भी शुरू रिलेट हो सकता है, जैसे जज हो गया, या एडवोकेट में आ गए, या कुछ ऐसा काम जहाँ पे बैठ के उनको जस्टिस करना होता है, कोई हाई पोस्ट हो सकती है ये यहाँ पर। और अगर जस्टिस की बात करें तो ये कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा लेके आता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, और यहाँ पे वो जस्टिस भी मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, मतलब लीगल वे में करना, या कहना कि अगर उन्होंने कोई चीज़, कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको बहुत अच्छे से पूरा करना, मतलब अपने काम में कोई ये नहीं कि क्लाइंट आके उस उन पर इल्ज़ाम लगा सकते लगे कि आपने ये ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से ये करना पसंद करते हैं यहाँ पे। पार्टनरशिप में हो सकता है काम कर रहे हों, या फिर आपके साथ भी मिलके या तो अपने काम को यहाँ पर चला सकते हैं, या किसी के साथ जुड़ के वो काम यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। बस यहाँ एक ऐसा चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपके पार्टनर की एक गलती, या मैं कह लूँ ये क्या है कि बहुत जल्दी काम में, काम पे जहाँ काम जैसे है तो उसमें विश्वास शायद बहुत जल्दी कर लेते हैं वो लोगों पर, और फाइनेंशियली हो सकता है कि लोगों ने उनको धोखा भी दिया हो, चीट भी किया हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। मतलब कि आपके पार्टनर अगर पार्टनरशिप वगैरह में रहते, या फिर दोस्तों या लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते, जिनकी वजह से उनको फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, ठीक है। एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस, यिन एंड यांग, आप तो सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, आप एक दूसरे को समझते हो यहाँ पर, और आप जब भी, आप में से कुछ लोग की लव मैरिज भी दिखाई दे रही है, और आप जब इनसे मिलोगे, आप इनको जानना शुरू करोगे, तो आपके लाइफ में आपको उनसे प्यार हो जाएगा, उनको भी आपसे प्यार हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर अरेंज भी हो रही है तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे प्यार में पड़ने वाले हो, नहीं तो बहुत हद तक लव मैरिज दिखाई दे रही है। आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे से बहुत ही अलग यहाँ पे रहने वाले हो, और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए 22 नहीं, 33 एंड 2022, आप ये एंजल नंबर देखिएगा, 3322 आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, आप ज़रूर चेक करिएगा, लव में ही चेक कीजिएगा कि आपको क्या मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। आगे देखते हैं,
दो बार लवर्स आ चुका है यहाँ पर, जस्टिस। यहाँ पे आप में से काफी लोग, मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, शायद आप में से कुछ लोग इस पार्टनर को पहले से जानते हैं और अभी आप लोग की बातचीत नहीं चल रही है, तो यहाँ पे उनको ये चीज़ फील होगा। अगर आप अपने तरफ से आपने 100% रिश्ते में दिया है तो जीत आपकी होती हुई दिखाई दे रही है और वो आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी वाला कोई चक्कर है तो। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि जो लोग न्यू हैं और शादी कर रहे हैं, नहीं जानते अपने पार्टनर को, सबसे पहला कार्ड लवर्स का है यहाँ पे, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लव में कि आप लोग की बॉन्डिंग, आपकी बॉन्डिंग स्टार्टिंग से आप अच्छा करने की कोशिश करना, एक दूसरे को जानो और एक दूसरे की ज़रूरत को समझने की कोशिश करना, ना कि मुझे क्या चाहिए मेरे लिए ये करो की बजाय उन्हें क्या चाहिए और उनके लिए क्या किया जा सकता है, ये डेवलप करने की एक दूसरे में कोशिश करिएगा। नहीं तो आपकी लाइफ में ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि एक बहुत ज़्यादा, हाँ जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा गिविंग में नहीं बनना आपको, या बहुत ज़्यादा रिसीविंग में नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में गए तो आपके पार्टनर को लगेगा कि ये तो अवेलेबल है, ये यहाँ रहेगी, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, करती तो हमेशा करता है मेरे लिए, हमेशा करती है मेरे लिए, तो यहाँ पे बहुत गिविंग नेचर में मत जाइएगा, एक सलाह है, और बहुत रिसीविंग में भी मत रहिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर एक ना एक टाइम वो थक चुका रहेगा, बस वो गिविंग वो आपके लिए कर ही रहा है, एफर्ट्स कर ही रहा है और आपको उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको मैं कहूँगी अपने रिलेशनशिप को और अपने काम को, जो भी करियर या फिर आप हाउसवाइफ बनना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो आप मेल हो तो अपने करियर को और अपने लव लाइफ को बैलेंस करिएगा, और अगर आप फीमेल है तो अपने हाउसवाइफ में भी आप वो जो घर के काम होते हैं, जो भी आपके काम होते हैं रेगुलर, इतने होते हैं कि कुछ कहने को नहीं, तो आप अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर भी नहीं, एक बॉन्डिंग, और मुझे लगता है आप दोनों को अपनी बॉन्डिंग पे काम ज़रूर स्टार्टिंग से इस चीज़ पे वर्क करने लगे चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी कि स्टार्टिंग आप कैसे करते हो यहाँ पर। यहाँ पे द जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप और वो, आप दोनों ही एक एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे, बहुत सही हो, डिजर्विंग लव हो, लेकिन वो होना और उन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना आपके लिए हिरन यांग आया, बने आप एक दूसरे के लिए ही हो, लेकिन अब ये देखना है कि आप उस रिश्ते को लेके कैसे जाते हो आगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे को एक बैलेंस, देखिए यहाँ पे भी बैलेंस है, तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर लीब्रा भी हो सकते हैं यहाँ पे, वो बैलेंस आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इमोशनल भी यहाँ पे रहोगे, एक दूसरे से कनेक्ट होगे, और ये भी दिखाई दे रहा है कि साथ में घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना, धीरे धीरे आपका इमोशनल कनेक्शन बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा मिसिंग रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी बॉन्डिंग पे काम करना शुरू करना, अपने बॉन्ड को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उन चीज़ों पे आप काम ज़रूर करिएगा। आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। आपके पार्टनर काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, आप भी क्रिएटिव हो सकते हो, आपके पार्टनर भी क्रिएटिव हो सकते हैं। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग है, तो आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, लव के लिए अगर देख रहे हो, फाइट कर रहे हो यहाँ पे अपने लव मैरिज के लिए, जानते हो इनको पहले से, तो बहुत चांसेस है कि आप लोग की शादी हो जाएगी। यहाँ पर लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग्स है, आप दोनों मिलके बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, और मैंने कहा भी सोलमेट है, सोलमेट आता ही जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप भी उन्हें सिखाओगे, अकेले वो नहीं आपको सिखा रहे, गाइडेंस आप एक दूसरे को गाइड भी करोगे, कि चूँकि आपने कुछ अलग सीखा है, उन्होंने कुछ अलग सीखा, दोनों अलग अलग तरीके से सीखे हो, स्टक वो पर्सन कहीं ना कहीं आप में अटका रहेगा, इधर उधर जाएगा नहीं, इधर उधर भागेगा नहीं यहाँ पर। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन ख़राब होती है, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि इसको डील कैसे करना है यहाँ पर। अब वही चीज़ तो आप लोग सीख रहे हो ना साथ में, यहाँ पे प्रपोज वो आपको प्रपोज करेंगे, यहाँ पर उनकी तरफ से प्रपोजल आएगा, वो आपको सबसे पहले प्रपोज करेंगे बॉन्ड। मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट या मतलब बच्चे आपके जल्दी हो जाएं,
पेरेंट अगेंस्ट लव, तो आपकी पेरेंट्स शादी इस प्यार के अगेंस्ट हो सकते हैं। गुड फादर, अगर मेल आप देखें तो एक बहुत अच्छे फादर आप मुझे यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर फीमेल्स आप देखें तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे फादर बनेंगे। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत ही गहरा, बहुत तगड़ा वाला रहने वाला है। और वही मैंने कहा अट्रैक्शन अच्छी बातें रहेगा, लेकिन अपने बॉन्ड को भी, वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, उन सबको भी डेवलप करना रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में होना ज़रूरी है। इमोशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर। थोड़े से पुराने ख्यालात वाले भी हो सकते हैं। बैलेंस्ड होंगे काफी। बहुत दिमाग बहुत चलाते होंगे, कह सकते दिमाग बहुत चलाते हैं अपना। नॉर्मल सिंपल लाइफ अच्छी लगती है। बहुत अच्छे होंगे, मतलब सबके बारे में सोचने वाले हैं। घर पे रहना इनको बहुत पसंद होगा, घर पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। ज़्यादा दोस्त दोस्तों के साथ मिलना घुलना मिलना नहीं हो सकता होगा। मेलो ड्रामेटिक होंगे, ड्रामा बहुत भरा होगा। यहाँ पे भी कंफ्यूजन आया था, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि क्या करना बेस्ट होगा। बहुत नर्चरिंग होंगे, आपका ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। दिमाग से तो बहुत तेज होंगे, विश्वास के काबिल होंगे, फेथफुल और सेंसिबल होंगे बहुत। अब इसमें से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एक कार्ड लेंगे हम। ओके 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 ओके। सन आपके लिए, रिश्ते के लिए आया है सन यहाँ पर। आपका रिश्ता काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे। इनको लेकर सन आया है, आपके रिलेशनशिप को लेकर। देख लेते हैं और क्या मैसेज है। पैशन आप दोनों के बीच में बहुत रहेगा एक दूसरे के लिए। वही है ना, पैशन वगैरह सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते में, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरे को कंट्रोल मत करना, अपने रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। गो विद द फ्लो रहना, समझ ही तो रहे हो एक दूसरे को। इतना याद रखना कि आप एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो। माफ़ करना, दो एक दूसरे को माफ़ भी करना और सीखना भी चीज़ों से। यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि माफ़ भी करना एक दूसरे को रिश्ते में, और सीखना भी एक दूसरे से। इसको हम लास्ट में देखेंगे, पहले और भी कुछ देख लेते हैं। लेगेसी, आप लोगों ने जो भी सीखा है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ बहुत कुछ आप सीखने वाले हो अपने रिश्ते से भी। आप जो अपने 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 परिवार से सीख के आ रहे हो, वो उन्होंने जो अपने परिवार से सीखा, वो दोनों चीज़ें मिला के आप एक दूसरे को मतलब आगे ले जाओगे उन चीज़ों को। डिस्टेंस, आप दूर भी रह सकते हो अपने पार्टनर से, दूर भी यहाँ पे रहने का भी दिखाई दे रहा है, काम की वजह से हो सकता है। सीक्रेट्स शेयर करोगे एक दूसरों के, एक दूसरे के साथ, मतलब अपने अपने सीक्रेट शेयर करोगे यहाँ पर। और रोमांस तो भी, रोमांस भी बहुत रहेगा आप दोनों के बीच में। सोल कनेक्शन आया है आपके लिए यहाँ पे, सोल कनेक्शन। इसको मैं यहाँ रखूँ और देखते हैं। सोल कनेक्शन एंड ट्रू लव, सोल में, सॉरी, वो ट्रू लव, ट्रू वो लवर्स का कार्ड आया था ना आपके लिए, मैसेज। ओके एंड पेशेंस, पेशेंस रखिए, आपके पार्टनर आपको मैसेज करेगा, वही आपका ट्रू लव है। आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन को शायद जानते भी हैं, ठीक है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग शायद अब इनको जानते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनके बारे में। उन्हें डांस करना बहुत पसंद हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है। एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा।
ओके उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चला, वो उनके आपके लाइफ में भी आने से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये आपको इस नाम से बुलाएंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, जो फिर से आप लोग मिल रहे हो यहाँ पर, डेटिंग करोगे, एक दूसरे को डेट भी करोगे। कहा ना, आप में से काफ़ी लोग शायद जानते हो पहले से, आप उनके स्वीट हार्ट हो सकते हो यहाँ पर, आप एकदम सही बात पे हो, बहुत जल्द लग रहा है उनसे मिलने वाले हो, इसीलिए सही बात आ गया, आप राइट बात पे हो। वो अपने आप मतलब सिचुएशन, ये सब जो चीज़ें हैं ना, सब छोड़ दो कह रहे हैं आपसे। वैसे तो व्हील व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिखाता है, और व्हील ये भी दिखाता है कि सरेंडर टू द गॉड कर दो। मनी, आपके पार्टनर मनी माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे आपके पार्टनर, वो फ्रीडम लविंग होंगे एंड स्पिरिचुअल भी आपके पार्टनर होंगे। आइए देख लेते हैं उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, या उनके बर्थ मंथ, बर्थ डेट, जो भी बताना चाहे डिवाइन। आइए देखते हैं, दिसंबर सैटरडे इनके लिए इम्पोर्टेंट ये वीक का डे हो सकता है यहाँ पर, या फिर मंथ हो सकता है, अक्टूबर अप्रैल इम्पोर्टेंट उनके लिए यहाँ पर। ये ए इनिशियल हो सकता है उनका, यू हो सकता है, आर हो सकता है, आई हो सकता है, एन हो सकता है, जेड भी हो सकता है कुछ लोग के लिए यहाँ पे, वी हो सकता है, ओके बी हो सकता है, थ्री है, 13 है यहाँ पर, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, ओके थर्सडे भी, सैटरडे एंड थर्सडे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, यहाँ आई फिर से है, एच हो सकता है, सॉरी एच है, ये एच, एंड यहाँ पे है के, एस एंड पी भी है, एस भी है, पी भी है यहाँ पर, के अगेन के, नंबर 3 दो बार आया, 33 भी हो सकता है, 22 भी आया है यहाँ पे, 22 33। मैंने आपसे कहा भी था एक बार जाके चेक कीजिएगा कि आपके लिए लव में क्या मैसेज है यहाँ पे। नंबर 8, ये तो पी हो गया, नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, नंबर 11 भी आया है। तो अगर इनिशियल आपको कुछ भी अगर देखने में प्रॉब्लम हुआ, तो आप दोबारा भी जाके थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देख सकते हो, वो सारे इनिशियल्स मैंने आपको बता दिए हैं, वी है, के है, जी है, सब मैस हो गया यहाँ पर। और ये हो गए नंबर्स, उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर, या आप लोग की मैरिज की डेट हो सकती है ये। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर, आई होप आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।